भगवान श्री महावीर स्वामी जी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इस अवसर पर निकाल के उनका जन्म चैत्र शुद्ध 13 को हुआ था। अगर आज के कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये कैलेंडर का जो फर्स्ट साल था उससे करीब 599 साल पहले अप्रैल के महीने में हुआ था। भगवान श्री महावीर स्वामी का जीव जब उनकी माता की कुक्षी में आया था तब उनकी माता ने उस रात्रि में 14 शुभ स्वप्न देखे थे। इन स्वप्न का तात्पर्य यह है कि होने वाला जीव कोई तीर्थंकर का जीव है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर राज्य में हुआ था, वर्तमान के हिसाब से बिहार राज्य में पटना शहर के पास वो जगह थी। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ राजा था और महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान एक युवराज थे, उनका बचपन पूरी सुख सुविधाओं में बीता पर वो उसके अंदर आसक्त नहीं हुए। वो आत्मज्ञान की खोज में रहते थे सदा। उनके माता पिता को दुख ना पहुंचे इसलिए उन्होंने ये भावना भा रखी थी कि जब तक वो जीवित है वो दीक्षा नहीं लेंगे। उनके माता पिता ने उनका विवाह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी के साथ कराया जिनका नाम यशोदा था। जब महावीर स्वामी 28 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता का देवलोक गमन हो गया। उसके बाद उन्होंने परिवार के समक्ष दीक्षा लेने का भाव प्रकट किए। तब उनके बड़े भाई नंदीवर्धन ने उन्हें 2 साल और रुकने का आग्रह किया क्योंकि वो ही माता पिता के दुख में दुखी थे और अकेले पूरा राज्य नहीं संभाल सकते थे। बड़े भ्राता के कहने पर 2 साल के लिए रुक गए। ये 2 साल उन्होंने एक संत की तरह ही महल में बिताए। वह ज्यादातर मौन ध्यान में रहते थे और साथ ही तपस्या करते रहते थे। 2 साल बाद प्रभु ने अपनी धन संपदा आदि दान की जरूरतमंदों के बीच सारी प्रजा ने देवता ने महावीर स्वामी का वरघोड़ा निकाला, उन दीक्षा महोत्सव बनाया। महावीर स्वामी ने अपनी सारी प्रजा के सामने अपने सारे आभूषण वस्त्र आदि त्याग कर दिए और अपने हाथों से अपने केश लोच करके दीक्षा स्वीकार की। महावीर स्वामी ने 12.5 साल गहरे ध्यान में बिताए। उस ध्यान में उन्हें कई तरह के विघ्न आए, मूसलाधार वर्षा, आंधी तूफान, अत्यधिक धूप, गर्मी, कड़ाके की सर्दी, पर ये कोई भी उन्हें डिगाना न पाए। वो अपने ध्यान में निरंतर बने ही रहे और इस प्रकार कई तरह के विघ्न आए उनके ध्यान में। उन्हें सभी को संभव के साथ सहन किया, ना ही उन्होंने बचने का प्रयास किया। इसी तरह उन्होंने अपने कर्मों का तेजी से क्षय किया। और एक रात वो जंगल में ध्यान में खड़े थे, वहाँ पे एक सुल्तानी नाम के यक्ष आ गया और उसने महावीर स्वामी को बहुत उपसर्ग दिए ताकि वो ध्यान से दिख सके। उस यक्ष ने हाथी, शेर, सांप आदि कई तरह के जीवों का रूप धारण करके महावीर स्वामी को डिगाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उनको जान से मारने का कह के उन्हें डराने की कोशिश की, पर जहाँ गुस्सा और प्यार दोनों नहीं रहते वहाँ कभी भी डर नहीं आ सकता। इस प्रकार उसने बहुत कोशिश करी उन्हें डराने की, पर वो उन्हें अपने ध्यान से डिगा ना पाया। अंत में उसने हार मान के वो वहाँ से चला गया। एक बार महावीर स्वामी जंगल से विहार कर रहे थे जहाँ पे चंडकोशिक नाम का नाग रहता था। कोई भी प्रजाजन वहाँ जंगल से नहीं गुजरती थी क्योंकि चंडकोशिक नाग उन्हें समाप्त कर देता था। इसके पहले भी उसने कई कई जीवों की हिंसा कर रखी थी। उसने महावीर स्वामी को भी काट लिया, पर वहाँ खून की जगह अंगूठे में से दूध की धारा निकलने लगी। चंडकोशिक नाग ये देख के बहुत ही हैरान हुआ कि महावीर स्वामी पे उसके जहर का असर बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि वहाँ से दूध की धारा बहने लगी और महावीर स्वामी वहीं पर ध्यान पे खड़े हुए हैं। चंडकोशिक नाग यह देखकर गहरी सोच में चला गया। सोचते सोचते उसे ये राति स्मरण ज्ञान हुआ। उसमें उसने देखा कि वह पिछले जन्म में एक साधु था, पर अपने क्रोध के कारण आज उसकी यह दशा हुई, वो सांप की योनि में जन्म लिया। ये सब उसने देखकर अपने बिल में चला गया तथा फिर किसी को भी उसने नहीं सताया।